झांसी में टैक्सी में बैठे मंचले ने सड़क पर स्कूटी सवार युवती से छेड़खानी की। इस दौरान अपनी बाइक से आ रहे सिविल डिफेंस नियंत्रण अधिकारी प्रगति शर्मा ने घटना को देखकर अपनी बाइक रोकी और मंचले को टैक्सी से बाहर निकालकर जमकर पीटा। इस दौरान प्रगति शर्मा ने 112 पर कॉल कर पुलिस को भी घटना की सूचना दी। मिर्जापुर में आज मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए देवीधाम आएंगे, जहां मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल विकास खंड का टापू कहे जाने वाले सोहगी बरवा से बिहार के बगा में बारात लेकर जा रहे दूल्हे का दिल ही दुखी हो गया। इस दौरान दूल्हे ने कहा कि सड़क टूटी फूटी है, नदी पर पुल नहीं है, जिसकी वजह से उसका कई बार रिश्ता होते होते टूट गया। अब जाकर बात बनी है। दूल्हे ने कहा कि प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बरेली में एसपी अनुराग आर्य ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर दरोगा सहित 10 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। एसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ललितपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि एक मासूम बच्ची खेल रही थी कि पोल से लटके तार के चपेट में आ गई। आनन फानन में परिजनों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने मासूम बच्ची को मृत घोषित कर दिया। खबर गोंडा से है, जहां घाघरा नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है और गोंडा जिले के तरबजगंज और करनालगंज तहसील क्षेत्र के 18 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में एक दूल्हे ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और पूरी तैयारी के साथ दुल्हन को लेने ससुराल पहुंच गया। सर पर शानदार पगड़ी और हाथ में तलवार लिए दुल्हन नाव में सवार होकर ससुराल पहुंच गया। पूरे शाही अंदाज में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की तर्ज पर पूरी शान के साथ बारात पहुंची और शादी की सभी रस्में पूरी की गई। मिर्जापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस दौरान उन्होंने पत्र में अस्थायी टोल प्लाजा को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक के बिना आम जनता से टोल टैक्स लिया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में नरसिंहपुर लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने भारत सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हमेशा लोकतंत्र विरोधी रही है। ऋषिकेश में बिजली के क्षेत्र में देश की जाने मानी कंपनी THDC इंडिया लिमिटेड ने अपना 27वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में बाजी मारने वाले छात्रों को हौसला अफजाई के लिए भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में THDC के CMD आर.के. विश्नोई ने कंपनी के चल रहे नए प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। बिजली के क्षेत्र में अब तक के हुए विकास कार्यों का बखान भी खुलकर किया। वहीं कंपनी के उत्कृष्ट कार्यों की वजह से कंपनी को ग्रीस ग्लोबल एनवायरमेंट अवार्ड 2024 गोल्ड श्रेणी से भी सम्मानित किया गया। जोशीमठ जोगीधारा के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुल गया है, जिससे तीर्थयात्रियों का रास्ता आसान हो गया। उन्होंने बीआरओ को धन्यवाद दिया। बता दें, 4 दिनों से बंधित बद्रीनाथ हाईवे बीआरओ के अथक प्रयास से अब सुचारू हो गया है।